हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हल्दी लगाने की। हल्दी, टर्मरिक, सबको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। और हम जो हिंदुस्तानी है ना, हमारे कोई भी घर ऐसा नहीं होगा दोस्तों जहां पर कि इसका प्रयोग न होता हो। इसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उनमें मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। और जो गृहिणियां हैं और जो इस फील्ड में हैं उनको सबको पता है कि इसके क्या-क्या फायदे हैं। तो क्यों नहीं हम लोग इसको अपने घर में लगाते हैं। घर में लगाने से एक तो आपको फ्रेश हल्दी मिलेगी, और फ्रेश हल्दी का फायदा ये होता है कि जब तक वो सही है, ताजी है, तब तक आप उसको कच्ची यूज कर सकते हैं, और नहीं तो बाद में उसको पाउडर बना के, जो हम लोग की सब्जियां होती हैं, डिशेस होती हैं तरह तरह के, और अब तो कॉस्मेटिक्स में भी खूब यूज होती है। तो शादी ब्याह में उपटन जो वर वधु को लगता है उस, मतलब वेरियस यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ हल्दी। तो इसको लगाते हैं क्योंकि इस समय, ये जो मई का महीना होता है, ये इसका सही टाइम है लगाने का। ये एक ट्रॉपिकल वो है, जगह की चीज है जहाँ पे इसको अगर आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट देते हैं, मतलब कि थोड़ी गर्मी और थोड़ी सी मॉइस्चर, वॉर्म्थ, तो ये बहुत अच्छी तरह से फ्लरिश करता है। इसमें आप इसको सूखा नहीं रखेंगे, अगर इसकी सॉइल ड्राई हो जाती है तो इसके जो ये राइजोम्स हैं इसको बनने में, गाँठों को डेवलप होने में दिक्कत होती है, ये सूख जाते हैं। तो आते हैं इसको लगाएंगे कैसे, पहले आते हैं कि इसको प्रक्योर कहाँ से करेंगे। आप किसी भी बीज भंडार से या जो सुपरमार्केट्स में, सब्जी की दुकानों में जो फ्रेश हल्दी मिलती है, आप इसको वहां से ले सकते हैं। नहीं तो अमेजोन तो है ही है, आजकल इस समय सब लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। इसको मैंने देखिए लिया था, 5-6 गाँठें हैं। इस तरह से ध्यान रखिए कि ये जो गाँठें हो थोड़ी हेल्दी हो दोस्तों, उनमें कोई दाग धब्बा ना हो, सॉफ्ट सॉगी इस तरह से ना हो, और कटी हुई ना हो। और बहुत अच्छा होगा अगर उसमें आप ये देखें, मैं दिखाना चाहूंगी इस तरह से, ये जिसको आई कहते हैं या आंख कहते हैं, ये स्प्राउट कर रही हूँ, तो जर्मिनेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है, और कोई बात नहीं है, नहीं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपको इस तरह से मिल जाती हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो बहुत पेशेंस रखते ही हैं। गार्डनर का फर्स्ट क्वालिटी यही है कि उसको पेशेंट होना चाहिए। तो ये इस तरह से आप ले सकते हैं। मैंने ली थी, और मेरे क्योंकि थोड़ी सी ड्राई थी तो दोस्तों मैंने इनको थोड़ा ना पानी में डाल दिया था। ये शैलो सी ट्रे है, प्लेट है, और इसको मैंने थोड़ा सा पानी, बिल्कुल हल्का सा, कि भीगी रहे, इसमें नीचे का तली से पानी आता रहे इसमें। तो मैंने कल रात में इनको, एक दिन पहले मतलब, इसको पानी में रख दिया था। तो ये थोड़ी और जल्दी, जैसे हम लोग बीज होते हैं, कई बड़े बीज होते हैं तो उनको एक रात पहले भिगो देते हैं, सेम विद हल्दी, इसको भी आप चाहें तो पहले भिगो के रख सकते हैं। इनका आंख का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये देखिए, इसमें जैसे हैं, ये आपको दिख रहा है, काली, एक, दो, और ये तीसरी आंख है। जब भी आप बोने के लिए हल्दी ले तो कम से कम उसका जो साइज है 2 से 3 इंच होना चाहिए गांठ का, और 2 या 3 उसमें इस तरह से आईज भी होनी चाहिए। ये इस तरह पे आप देखिए, अगर घुमाते हैं इसको तो इधर भी आपको थोड़ा सा फुटाव दिख रहा होगा, है ना, और फिर इधर भी आपको इसकी आंख नजर आ रही होगी। तो इस तरह से जितनी आंखें होंगी, मतलब कहने का है जितनी आईज होंगी, उतनी ज्यादा आपकी हल्दी वहां से स्प्राउट करेगी, और जिसका मोटा तात्पर्य यही है कि उतना ही आपको ज्यादा हल्दी मिलेगी। तो लगाते टाइम इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो गाँठें हैं, जो ये स्प्राउट्स हो रहे हैं, आंखें हैं, ये ऊपर की तरफ हो, सॉइल में इस तरह से हो, तो ये सीधे ऊपर को इस तरह से निकलेंगी। अगर आपने इनको ऐसे लगा दिया उल्टा करके तो निकल तो सकती हैं, बेचारों को काफी घूम घाम करके निकलना पड़ेगा, और हो सकता है कि न भी निकले। तो बहुत ध्यान रखिएगा कि इस तरह से आप इनको सॉइल में जब लगाएंगे, गमले में लगाएंगे, तो आंखें ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
अब ये चूंकि थोड़ी बड़ी है और इसमें कई तरफ से आंखें हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूंगी, काट लूंगी। तो एक ये जो जिसमें दो हैं कम से कम इधर, तो इनको हम निकाल लेंगे, शार्प इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज करके इसको हम, ये देखिए इस तरह से मैंने अलग कर लिया है। इसमें ये दो हो गई हैं, इधर भी है और ये देखिए इसमें भी है, ये भी है, इधर भी है, इधर पीछे की तरफ भी है, आपको नजर नहीं आ रही होगी। तो प्रत्येक गांठ में 203 इंच की जो होगी उसमें दो तीन आंखें जरूर आप रखेंगे, तो आपके जो पौध निकलेगी वो हेल्दी और अच्छी निकलेगी, और आपकी जो पैदावार होगी जमीन के अंदर जब उसकी गांठें बनेंगी तो ज्यादा बनेंगी। आइए देखते हैं अब कि इसका सॉइल मिक्सचर क्या होना चाहिए। ये तो हो गई कैसी हल्दी या बीज होना चाहिए, देखते हैं सॉइल मिक्सचर। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका सॉइल मिक्सचर क्या होना चाहिए। सॉइल मिक्सचर जो इसका है बहुत ऑर्गेनिक होना चाहिए। इसके मतलब है कि जो न, न, बहुत ऑर्गेनिक पत्ते होने चाहिए इसमें, आपके जो गार्डन वेस्ट है उसका होना चाहिए, और थोड़ी सी गोबर की या कोई भी जो आपकी कंपोस्ट है वो इसमें मिक्स होनी चाहिए। तो इसमें मैंने जो मेरी पत्ती वगैरह की खाद थी, जो मेरे गार्डन का पुराना पड़ा हुआ सामान था, मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ आपको पता है, तो ये सब मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। बहुत पुरानी और 1 साल पुरानी खाद होगी, ये मिट्टी होगी आप बोल सकते हैं, उसमें मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाई है। 50-50 आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेंगे दोस्तों, सूखा नहीं रखेंगे। हमारे बल्ब चूंकि गीले हैं तो इनको भी हम थोड़ा सा, मिट्टी को भी हम अपना मॉइस्ट कर लेंगे। और इसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं एज अ, या दालचीनी डाल सकते हैं एज अ, जिससे आपका जो फंजिसाइड हम लोग यूज करें, क्योंकि ये राइजोम्स हैं, बल्ब्स हैं, कि ये आपके कहीं खराब ना हो, तो एज अ प्रिवेंटिव मैंने इसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर मिला दिया था। तो ये हमारी बहुत बढ़िया और हल्की सॉइल है। हल्की होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो जब इसके राइजोम्स डेवलप होंगे तो ये बढ़े अच्छी तरह से। अगर आपकी सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो ये उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, फैल नहीं पाएंगे, तो इसलिए मिट्टी का लूज होना, सॉइल का लूज और पोरस होना बहुत जरूरी है। अब आपकी ये जो मिट्टी आपने तैयार कर ली है, देखिए गमले में मैंने थोड़ी सी भर ली है ये इस तरह से, और गमला दोस्तों इसका कम से कम आपका 12-14 इंच का होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो गांठें हैं उनको फैलने के लिए हमें जगह देनी ही होगी। अगर गमला छोटा होगा तो गांठें पूरी तरह से फैल नहीं पाएंगी। तो ये हमारा गमला हमने इसमें इतना भर लिया है, ऊपर से करीब 4 इंच खाली छोड़ा हुआ है इतना गमला, और नीचे ऑफ कोर्स आपने क्रॉक्स लगाई दिए होंगे, ठीकरे लगाने हैं उसमें जिससे कि ड्रेनेज प्रॉपर होए। और अब हम लेते हैं अपनी गांठों को, ये देखिए ये इसमें इसमें ये बहुत अच्छा फुटाव है, तो ऑब्वियसली मैं पहले इसी को लूंगी और इसको इस तरह से खड़ा करके लगाऊंगी, क्योंकि इसमें ऊपर भी कुछ आइज हैं तो वो सब स्प्राउट करेंगी। इसको सिर्फ आपको आराम से इसमें रख देना है। अभी इसको आप एक गांठ से दूसरी गांठ के बीच की दूरी कम से कम 3 इंच रखिएगा, जिससे कि जब उसमें से स्प्राउट होए तो उसको जगह मिले फैलने के लिए। बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग हम एक गमले में नहीं करेंगे, तो इस गमले में मैं लगाऊंगी 3 गांठें। ये देखिए एक मैंने ऐसे लगा दी, ये यहाँ पे, ठीक है ना, दूसरी ये इसमें ये आंखें निकल रही हैं, ये इधर है, यहाँ पे भी है, तो इसको मैं ऐसे लगा दूंगी, ये यहाँ पे रख दिया, और तीसरी ये जो हमने काटी थी इसमें भी यहाँ पे 2 आंखें हैं, इनको मैं यहाँ लगा दूंगी। ये 3 इसमें अब बहुत पर्याप्त है, इससे ज्यादा की इसमें जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि
क्योंकि पौधे बड़े होंगे और ये तकरीबन 3 से 4-5 फुट बड़े भी हो जाते हैं, तो इनको भी जगह चाहिए, सपोर्ट सिस्टम इनका मजबूत रहना चाहिए, तो इसलिए इतना इसमें काफी है। अब हम इसके ऊपर अपनी सॉइल भर देंगे, तकरीबन इसके ऊपर 2 इंच सॉइल जरूर होनी चाहिए। ये आपने इसमें सॉइल डाल दिया। सॉइल डालने के बाद पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो है सॉइल मॉइस्ट है, हमारे राइजोम्स भी मॉइस्ट है। बस एक बार हल्के से इसको टैप कर लीजिए, जिससे कि ये सब सेट हो जाए। हल्के हाथ से थोड़ा दबा दीजिए। अब दोस्तों, इसमें हम जो हमने पत्तियां इकट्ठी करते हैं ना सूखी अपने गार्डन में, उनका प्रयोग करेंगे इसको मल्च करने के लिए। मल्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होगा अगर आप मल्च नहीं करेंगे तो इसका जो ये मॉइस्चर है ये खत्म हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये पत्तियां क्रश करके आप अपने गमले को इस तरह से मिट्टी को मल्च कर दीजिए। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, इसकी जो खुटाव है इनके अंदर से अपने आप रास्ता बनाएंगे और बाहर आ जाएंगे। ये कम से कम ये भी आप 2 से 3 इंच इसको मल्च जरूर करिएगा। ये आपका हल्दी इसमें लग गई। अब इस गमले को हम रखेंगे कहाँ? थोड़ा सा छांव में रखेंगे, क्योंकि अभी इसको थोड़ी ठंडक की जरूरत है, और ज्यादा धूप में रखेंगे तो हमारी सॉइल भी ड्राई हो जाएगी। तो इसमें अभी पानी नहीं देंगे जब तक इसमें नमी बनी हुई है, और जब फुटाव आ जाएंगे तब हम इसमें पानी डालना शुरू करेंगे। अब पानी डालना की मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि इसको मैंने बताया कि ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, जिंजर फैमिली का प्लांट है, तो उसी तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे। इसकी सॉइल हम कभी भी सूखने नहीं देंगे, हमेशा इसकी सॉइल हम मॉइस्ट रखेंगे, ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे। ओवर वाटरिंग करने से आपके जो राइजोम्स है वो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, मतलब रॉट कर जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये आप इसमें करिएगा, और जब आपके पौधे 45 से 50 दिन तक के हो जाते हैं तब आप इसमें एक बार खाद का प्रयोग कर सकते हैं। आप कोई भी ऑर्गेनिक खाद डालिए, पानी की खाद डालिए, और इनको पौधों को आराम से सन में रख सकते हैं, धूप में रख सकते हैं। पानी का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसमें अगर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की बात करें कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि एक ये खुद एक मेडिसिनल प्लांट है, तो इसमें इंसेक्ट्स पेस्ट लगते नहीं है। अगर फिर भी आप चाहें तो पीरियोडिकली, जैसे आप अपने सब पौधों पर हर 10-15 दिन में कोई भी ऑर्गेनिक स्प्रे करते हैं, तो आप इस पर भी कर सकते हैं। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा हम अपना वीडियो बनाते रहेंगे और आपसे शेयर करते रहेंगे इसकी प्रोग्रेस क्या हो रही है। बाकी के भी राइजोम्स में लगा लूंगी अपने दूसरे गमलों में, और ये बिल्कुल सही टाइम है, डिले मत करिएगा, हल्दी जरूर लगा लीजिएगा। और हार्वेस्ट कैसे करेंगे वो तो दूर की बात है, फिर उस पर भी चर्चा हम जरूर करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के संग, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके और अपनी बालकनी में अपने छत पर इसको उगा सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।